नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे से हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और आप लोग अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर डाउनलोड हिस्ट्री या फिर कुकीज को या फिर कैश को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कैसे आसानी से मोजिला फायरफॉक्स में कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो क्लास का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में अगर आप लोग अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कैश, कुकीज या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को लॉन्च करना होगा। लॉन्च करने के बाद आप लोगों को अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में टॉप राइट कॉर्नर पर तीन लाइन दिखेंगी, आप लोगों को इन तीन लाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इन तीन लाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, तो आप लोगों को यहाँ पर से सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर से खुल जाएगी। और क्योंकि हमारी जो कैश होती है, कुकीज होती है और हमारी जो हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर डाउनलोड हिस्ट्री होती है वो हमारे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आता है तो हम लोग यहाँ पर से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को एक्सेस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर एक ऑप्शन मिलता है फायरफॉक्स विल। आप लोग यहाँ पर से फायरफॉक्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि फायरफॉक्स में भविष्य में क्या करना है। अगर आप लोग चाहें कि फायरफॉक्स आप लोगों की हिस्ट्री को रिमेम्बर करे, याद करे, उसका रिकॉर्ड बनाए तो आप लोग यहाँ पर से रिमेम्बर हिस्ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फायरफॉक्स आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी हिस्ट्री को मेंटेन ना करे, अपने पास ना रखे, तो नेवर रिमेम्बर हिस्ट्री को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक और ऑप्शन मिलता है यूज कस्टम सेटिंग फॉर हिस्ट्री। अगर आप लोग कस्टम सेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से कस्टम सेटिंग भी अपनी हिस्ट्री की कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को अपनी हिस्ट्री डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है क्लियर हिस्ट्री का, आप लोग इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक पॉपअप खुल जाएगा, एक ये विंडो आ जाएगी और इस विंडो में आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग क्या क्लियर करना चाहते हैं, मतलब क्या चीज डिलीट करना चाहते हैं और किस टाइम का डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को टाइम रेंज टू क्लियर यहाँ पर मिल जाता है कि आप लोग कितने टाइम की हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप डाउन मिलता है, आप लोगों को अगर पिछले एक घंटे की हिस्ट्री को डिलीट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, पिछले दो घंटे की करना है तो यहाँ पर से, पिछले चार घंटे की करना है तो यहाँ पर, अगर आज की हिस्ट्री को डिलीट करना है तो यहाँ पर, और अगर आप लोग सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं जो भी मोजिला फायरफॉक्स ने आप लोगों का रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर से एवरीथिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, लास्ट आर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप लोग किस प्रकार की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप लोग अपनी ब्राउजिंग और डाउनलोड हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों ने क्या क्या वेबसाइट विजिट करी है, कौन कौन सी वेबसाइट खोली है, क्या क्या डाउनलोड किया है, अगर वो हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया है और उसने पासवर्ड आप लोगों के कुकीज में सेव कर दिया है और आप लोग उन पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, जो भी डेटा है उस वेबसाइट का उसको डिलीट करना चाहते हैं जो आप लोगों के कुकीज में सेव है, तो आप लोग यहाँ पर से कुकीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से अगर आप लोग किसी में एक्टिवली लॉगिन है, आप लोग उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग हो सकता है कोई पब्लिक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों ने वहां पर से सेव पासवर्ड में गलती से सेलेक्ट कर लिया है और इसने पासवर्ड जो है वो इसमें रख दिया है और आप लोगों को एक्टिवली लॉगिन रखा है, आप लोग यहाँ पर से उसको हटाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से एक्टिव लॉगिन को भी हटा सकते हैं। जितने भी एक्टिव लॉगिन होंगे अगर आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे के सारे अपने आप ही लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कैश का, अगर आप लोग यहाँ पर से कैश को डिलीट करना चाहते हैं पिछले एक घंटे की तो आप लोग यहाँ पर से पिछले एक घंटे के कैश को भी डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है फॉर्म एंड सर्च हिस्ट्री, अगर आप लोगों ने कुछ सर्च किया होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा और अगर आप लोगों ने कहीं पर फॉर्म भरे हैं उसका कोई डेटा, जैसे कोई एड्रेस वहां पर सेव हुआ है वो भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से आप लोगों को डेटा का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग अपनी साइट की प्रेफरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट का डेटा ऑफलाइन पढ़ने के लिए रखा हुआ है और आप लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी यहाँ पर से रिलीज कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आप लोग डिलीट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर से उसको डिलीट कर सकते हैं। और इस पॉपअप को लाने का एक और शॉर्टकट तरीका है, आप लोगों को शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं कीबोर्ड से कि आप लोगों ने क्या प्रेस करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर से बाहर आते हैं, मेरे को मान लीजिए अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना है या फिर मेरे को कुकीज या फिर कैश को डिलीट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास ये पॉपअप फिर से आ गया है ब्राउजर का और यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इससे बोलता हूँ कि पिछले एक घंटे की कैश जो है वो क्लियर कर दे और मैं यहाँ पर से ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो पिछले एक घंटे की जो कैश है मेरे ब्राउजर की वो यहाँ पर से डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री को डाउनलोड डिलीट करना चाहते हैं तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं
और कुकीज या फिर कैश को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक करके इसको जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि आप लोगों को कौन सा ब्राउजर ज्यादा अच्छा लगता है इस्तेमाल करने में, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो नया आया है एज, वो कौन कौन सा ब्राउजर आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है यूज करने में और आप लोग किस ब्राउजर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में रिंग घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होता यह है कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।